दोस्तों अगर आप भी पैट कमिंस और धोनी को बेहतर खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के बाद धोनी की चेन्नई और गौतम गंभीर की केकेआर जैसी टीमों को हराने पर ना, अब पैट कमिंस ने घमंड में चूर मैच के बाद अपना बयान दे ही दिया है। 15 अंकों के साथ क्वालिफाई करने वाले पैट कमिंस ने धोनी और केकेआर को हराने पर अपने बयान में ऐसा भी क्या कह दिया कि सुनकर पूरा भारत देश ही इनके खिलाफ हो चुका है। इनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जिस बार जब CSK और SRH की टीम आमने सामने होगी तो कौन जीतेगा, धोनी या पैट कमिंस? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है, खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी प्लेऑफ की लड़ाई बाकी है। 4 टीमों में ये लड़ाई होनी है। कोलकाता और राजस्थान तो पहले से ही क्वालिफाई करके बैठे हैं, लेकिन अब बारी तीसरी टीम की थी। दोस्तों तीसरी टीम को लेकर बड़ी समस्या थी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बिना मैच खेले ही क्वालिफाई कर गई। वो ऐसे कि उनको तो केवल एक ही अंक चाहिए था, 15 अंकों के साथ वो क्वालिफाई तो कर ही गए, उनका एक मैच भी बचा है। बारिश के चलते GT के दोनों मैच पिछले धुल गए और दोनों टीमों का फायदा हो गया। खैर दोस्तों GT के पास तो कुछ खोने को था नहीं और SRH की टीम ने सब कुछ पा लिया। वो एक अंक के साथ टोटल 15 अंक बना गए और क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर वो एक और मैच जीत गए तो उनके तो 17 अंक हो जाएंगे, यानी कि वो पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर होंगे। खैर दोस्तों अब किस नंबर पर होंगे, कितना नेट रन रेट होगा, मायने नहीं रखता। मायने रखती है प्लेऑफ्स की लड़ाई, और जाहिर सी बात है पैट कमिंस की पहली लड़ाई चेन्नई सुपर किंग्स से होगी या तो कोलकाता से, क्योंकि राजस्थान सबसे ऊपर है, तो शायद उनका सेकेंड प्लेऑफ में मुकाबला हो। लेकिन दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान इस बारिश के बाद जीते गए मैच को ना कुछ ज्यादा ही मान चुके हैं। तभी तो धोनी और गंभीर को एक साथ हराने पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई उन्हें घमंडी कह रहा है। दोस्तों पैट कमिंस ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। आपको बताया दोस्तों कि पैट कमिंस ने प्लेऑफ में पहुंचते ही कहा, IPL 2024 में मुझे नहीं लगता कि कोई टीम, कोई मुकाबला, कोई मैदान ऐसा रहा होगा जहां पर हमने फतेह हासिल ना करी हो। तो ये चेन्नई और KKR की टीम कौन से खेत की मूली है? हाँ कई दफा इन्होंने कांटे की टक्कर देने की कोशिश जरूर करी, लेकिन अब भूल जाइएगा कि आप SRH का वो रूप देखेंगे जो आपने लीग स्टेजेस में देखा। ये प्लेऑफ हैं और हम गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते 1% भी। IPL हमारा है और हमारी टीम अब इसके लिए तैयार है। प्लेऑफ में अगर धोनी अपनी चेन्नई की टीम के साथ कोई भी रणनीति बनाएंगे तो हम डबल रणनीति बनाएंगे। गौतम गंभीर अगर अपनी टीम के खिलाड़ियों को ताकत के साथ खेलने के लिए कहेंगे तो हम डबल ताकत के साथ खेलेंगे। और ये मेरा वादा है SRH की टीम के हर एक फैन को, चेन्नई की टीम के हर एक फैन को और KKR की टीम के हर एक फैन को कि जीत तो केवल और केवल इस बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की ही होगी। और ना सिर्फ धोनी बल्कि गंभीर भी ताकते देखेंगे खड़े होकर, बस चुप रहेंगे, अपनी हार को निहारेंगे। दोस्तों लगता है कि घमंड में चूर हो गए हैं पैट कमिंस। ठीक है वर्ल्ड कप जीते, लेकिन IPL उनके बस की बात नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर शब्दों से ज़्यादा परफॉर्मेंस चलती है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, अगर फाइनल धोनी और पैट कमिंस के बीच में हो गया तो उसे कौन जीतेगा, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों गुजरात के खिलाफ ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक लाजेन की तूफानी बल्लेबाजी ने हैदराबाद की दिलाई शानदार जीत। जी हां दोस्तों गुजरात और हैदराबाद के बीच बारिश के बाद 5 ओवर का रोमांचक मैच खेला गया था, जहां पर इस मैच में आज गुजरात की टीम के खिलाफ ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक लाजेन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसके सामने गुजरात की टीम चारों खाने चित हो गई। तो आखिरकार गुजरात के खिलाफ हैदराबाद की टीम ने किस तरीके से जीत दर्ज करते हुए सभी को प्रभावित किया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में से कौन, किस प्लेयर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है गुजरात और हैदराबाद के बीच आज हैदराबाद के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला जाने वाला था, लेकिन बारिश के कारण मैच में काफी ज्यादा देरी हुई। परंतु एम्पायर और दोनों टीम के कप्तान ने बातचीत करते हुए बारिश के बंद होने के बाद 5 ओवर के मैच का फैसला लिया गया, जहां पर इस मैच में हैदराबाद की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए गुजरात की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच आज गुजरात की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए फिर कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर काफी ज्यादा आज बेहतरीन बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, जहां पर पहले ओवर करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए। इस बीच भुवनेश्वर कुमार ने पहली 3 गेंद पर एक भी रन नहीं दिया, लेकिन अगले 3 गेंद पर तो 3 बेहतरीन चौके लगाकर पूरे स्टेडियम में सनसनी पैदा कर दी थी।
हालांकि दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए नटराजन के सामने साई सुदर्शन ने अपनी पहली गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन इसके बाद नटराजन ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सुदर्शन को विकेटकीपर के हाथों 12 रन के स्कोर पर कैच आउट करा दिया। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शाहरुख खान आए, जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, और तीसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए मयंक मार्कंडे के सामने एक चौका लगाने के बाद 5 रन के स्कोर पर LBW आउट हो गए। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर मैदान पर आए। इस बीच उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया। इस बीच शुभमन गिल ने इस ओवर में 4 बेहतरीन चौके लगा दिए। ऐसे में अब अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आए, जिनके सामने शुभमन गिल पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पर 35 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर वापस लौट गए। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान आए, जिन्होंने इस ओवर में एक छक्का लगाने के बाद अपना विकेट रन आउट होकर दे दिया। ऐसे में अब अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी आए, जिनके सामने डेविड मिलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लगातार 4 गेंद पर 4 जबरदस्त चौके लगाए और 5वीं गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाने के बाद अंतिम गेंद पर अपना विकेट 26 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट होकर दे दिया, जिसके चलते गुजरात की टीम ने 83 रन 5 विकेट खोकर बना दिए। और इसका पीछा करने के लिए हैदराबाद की टीम जब मैदान पर आई, तो हैदराबाद की टीम के लिए ओपनिंग करने एक बार फिर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी आई, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत उमेश यादव ने की, जिनके सामने अभिषेक शर्मा ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर के अंदर लगातार 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाने के साथ ओवर की अंतिम गेंद पर लंबा छक्का लगाया, जिसके चलते पहले ओवर में 18 रन आ गए। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए संदीप वॉरियर के सामने ट्रेविस हेड ने 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 20 रन बटोर कर बता दिया कि आज वो इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे में अब रन गति पर लगाम लगाने के लिए राशिद खान को बुलाया गया, जिनके सामने अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद अभिषेक शर्मा को 22 रन के स्कोर पर राशिद खान ने LBW आउट कर दिया। तो वहीं इसी ओवर में दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को भी 20 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों राशिद खान ने कैच आउट कराया। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी और हेनरिक क्लासेन आए। हालांकि इस ओवर में 5 रन के अंदर 2 विकेट गिर गए। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद आए, जिनके सामने नीतीश रेड्डी ने 2 छक्का लगाने के बाद 15 रन बनाने के बाद अपना विकेट LBW आउट होकर दे दिया। ऐसे में अब मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 24 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा आए, जिनके सामने पहली गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने सामने की तरफ छक्का लगाया, तो वहीं दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने कवर के ऊपर से चौका लगाया और तीसरे गेंद पर पॉइंट के पास से शानदार छक्का लगा दिया। और ओवर की चौथी गेंद जब उनके पैरों पर डाली गई, तो यॉर्कर पर उन्होंने भागकर 2 रन लिए। तो वहीं जब 2 गेंद पर 6 रन की आवश्यकता पड़ी, तो मोहित शर्मा ने स्लोअर गेंद पर 4 रन की जरूरत पड़ी, तो मोहित शर्मा ने लंबी गेंद डाल दी, जिसको हेनरिक क्लासेन ने सामने की तरफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का लगाकर 27 रन की पारी खेलते हुए हैदराबाद की टीम को शानदार जीत दिला दी। और इसी के साथ हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में हैदराबाद की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, हैदराबाद और गुजरात के मैच में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश बनी है, विलेन निकल कर आई है। अब सबसे बड़ी अपडेट, अब नए समय और नए फॉर्मेट के साथ खेला जाएगा ये मैच। तो आखिरकार गुजरात और हैदराबाद के बीच ये मैच अब कितने बजे से खेला जाएगा और दोनों टीम के बीच कितने ओवर का मैच होगा, कितने बजे से किया जाएगा टॉस, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर में से कौन सी टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, IPL 2024 के 65 मैच समाप्त हो गए हैं। इस बीच IPL का 66वां मैच हैदराबाद और गुजरात के बीच हैदराबाद के घरेलू मैदान पर खेला जा रहा है। हैदराबाद और गुजरात दोनों टीम के लिए यह मैच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर गुजरात की टीम अपना IPL 2024 का अंतिम मैच जीत के साथ खत्म करने का प्रयास करेगी, तो दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हैदराबाद की टीम फिलहाल 14 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है, तो दूसरी तरफ से गुजरात की टीम 8 नंबर पर 11 अंक के साथ मौजूद है।
इस मैच में 7:30 बजे का समय शुरू होने का रखा गया था, लेकिन बारिश के चलते मैच समय पर शुरू नहीं हो पाया है। अभी भी मूसलाधार बारिश समय देखने को मिल रही है, लेकिन जैसा मौसम का हाल है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द मुकाबला शुरू किया जा सकता है, लेकिन दोबारा से बारिश आने के कारण इस मैच का टॉस भी 8 बजे नहीं हो पाया। ऐसे में बारिश की संभावना भी 90% तक है, लेकिन